हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिस्री रोटी। मिस्री रोटी खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी होती है। इसके लिए मैंने एक कप कुछ मैं इंग्रेडिएंट हाँ इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, एक कप आटा, जो मैंने आटा गेहूं का आटा खाते हैं वही आटा है, एक कप आटा लिया है मैंने, और एक कप बेसन का बेसन लूंगी, एक कप बेसन। बस एक कप बेसन, ये देखिए एक कप बेसन ले लिया मैंने। एक मैंने प्याज काट के रखा था, एक प्याज काट के रखा था, प्याज दे दिया मैंने बारीक काट के रख दिया था। चार पांच हरी मिर्च, थोड़े से धनिया पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ा सा चाट मसाला ये देख लीजिए बस। और उसमें इसमें और ये लगता है वो तुम्हारा अनार का दाना लगता है, वो मेरे पास है नहीं इस समय। मैंने एक कप पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल दूंगी, एक चम्मच, एक टीस्पून, एक टेबलस्पून सॉरी। अब मिला लूंगी अच्छी तरह से। इसमें अच्छा जाता है प्याज। इतना लगा है, एक कप मैंने पानी लिया था, इतना मेरा पानी बच गया है। ये जरा सा गीला ही सानना चाहिए। अब इसे मैं सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब इसे सेट होने के लिए मैंने थोड़ी देर छोड़ना है।
ये मेरा मिस्री रोटी हो रहा है। अब इसको आप चिकन के संग परोसे, बटर नान के साथ परोसे, बटर पनीर के संग परोसे। ये आपकी मिस्री रोटी तैयार है। ये देखिए, ये मिस्री रोटी बन गई। ये दूसरी वाली है, मैं दूसरी वाली दे रही हूँ। ये देखिए, मिस्री रोटी तैयार है। अब ये आप चिकन के संग लीजिए, चिकन ग्रेवी के संग, या बटर पनीर के संग भी। मैं तो आपको बहुत सारा प्यार दूंगी, इसी से मेरा संतुष्टि है। आपको मैंने और क्या दें। ठीक है, अगले रेसिपी पे फिर मिलूंगी।